सब्सक्राइब कीजिए प्रीत एसएच क्रिकेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं आईसीसी वर्ल्ड टी20 2020 के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईसीसी वर्ल्ड टी20 वो 2020 में खेला जाना, उसका जो क्वालिफिकेशन राउंड है वो जनवरी 2018 से लेकर मई 2020 तक चलना था, लेकिन अब इसके शेड्यूल में कुछ चेंजेस किए गए हैं। आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि ये चेंजेस आईसीसी ने क्यों किए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं चेंजेस क्या हुए हैं। तो आईसीसी वर्ल्ड टी20 क्वालिफायर जो फाइनल राउंड था वो पहले खेला जाना था मार्च 2020 में, लेकिन अब उसको चेंज करके नवंबर 2019 में ही पूरा कर लिया जाएगा। और इसकी जो फाइनल डेट्स आई हैं कि वो हैं 11 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर 2019 यानी कि 11 अक्टूबर टू 3rd ऑफ नवंबर 2019। तो इस डेट के बीच में आईसीसी का जो फाइनल राउंड है वर्ल्ड टी20 क्वालिफायर का वो खेला जाएगा। इसके चेंज करने के पीछे भी कुछ कारण रहे हैं। सबसे पहले वो कारण ये है कि आईसीसी ने जो 2021 का चैंपियंस ट्रॉफी थी उसको ख़त्म करके 2021 में भी वर्ल्ड टी20 खेला जाना है, तो इसी कारण आईसीसी को जो इसका शेड्यूल है वो चेंज करना पड़ा, क्योंकि उसका जो वर्ल्ड टी20 2021 का उसका क्वालिफिकेशन राउंड मोस्ट प्रोबेबली फरवरी या मार्च 2020 में ही शुरू हो जाएगा। तो दोनों क्वालिफायर की डेट्स आपस में क्लैश ना हो, इसीलिए आईसीसी ने ये चेंजेस किए हैं और मेन टू एडिशन उनका यही रहा है चेंजेस का। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ऐसे योर टू डी पॉइंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।